क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहले कार्ड की और दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द फाइव, और यहाँ जो बाइनोमियल क्वेश्चन होगा ना इसमें विद रिप्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में फिर पावर लगाते हैं। पावर का मतलब हर सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसमें हमेशा विद रिप्लेसमेंट ही होगा। तो 52 पत्तों की टास्क गड्डी से कितने पत्ते निकाले जाने हैं? 5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऑल फाइव कार्ड्स आर स्पेड, ठीक है। यहाँ पे सभी में स्पेड की बात हो रही है, तो स्पेड का आना सक्सेस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ब्रेस के अंदर ऐसे हो सकता है चेंज हो, अभी स्पेड है फिर कुछ और। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए पी अलग हो जाएगा ना। तो फोर में क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है? एन की वैल्यू बताओ। फाइव कार्ड निकाले जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या है? स्पीड का, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? गेटिंग स्पीड, स्पीड का आना, सक्सेस की बात हो रही है स्पीड से। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई सक्सेस की 13/52 यानी 1/4। तो क्यू हो जाएगा, क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। अब आर आर हर हर पार्ट के लिए अलग अलग हुआ। पहले पार्ट में कितना कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑल फाइव कार्ड आर स्पेड। प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑल फाइव कार्ड आर स्पेड, यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5। सबसे आर की वैल्यू हो गई 5। तो फॉर्मूला लगाओ, एन 5, सी 5, पी 1/4 पावर 5 इंटू 3/4 पावर 0। 5c5 1 होता है, किसी की पावर 0 वो भी 1 होता है, तो ये आया 1/4 की पावर 5, और ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। 4 256 इंटू 4 आ जाएगा। छोड़ दिए नंबर 0 नहीं, अगर सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व कर लो। सेकेंड क्या कह रहा है? ओनली 3 कार्ड्स आर स्पीड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पीड, केवल 3 कार्ड स्पीड के होंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ओनली लीस्ट मोस्ट में चक्कर पड़ता है, यहाँ पे तो ओनली 3 कह रहा है, तो 5c 3, 1/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 2, 5c 3 होता है 5 × 4/2 × 1, 5 × 4 × 3, 3 × 2 × 1, ऐसे कर लो, ठीक है ना। अभी शॉर्टकट सिखाएगा नहीं सिखाएंगे, हाँ। तो ये आ गया 1/4 × 4 × 4 और 3 × 3 × 4 × 4। तो एक 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है ना। तो 9 × 5 = 45 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, 512 आएगा, 2 की पावर 9। क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? नन इज स्पीड, प्रोबेबिलिटी निकालो, नन इज स्पीड होना ही नहीं चाहिए, तब भी सक्सेस स्पीड का ही होगा। अगर तो नन स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड होना ही नहीं चाहिए पांचों में, तब भी पी स्पीड का ही है। नन के लिए तो हम आर लेंगे ना, समझ आ रहा ना। नन का मतलब आर जो होगा वो 0 होगा। तो 5c 0, 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है 81, 243 अपॉन 4 की पावर 5, 1024। ओके